1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. Hi everyone, so welcome back to my channel and if you don't know me then hi, my name is Anshika and आज का वीडियो थोड़ा सा रिक्वेस्टेड कह सकते हैं बिकॉज बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे लाइक कोलाबोरेशन, थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, इस टाइप के वीडियोस पता नहीं आप लोगों को मेरे क्यों पसंद आते हैं। या तो मैं खुल के बोल देती हूँ इन सब टॉपिक्स पे एंड बाकियों की तरह मैं कुछ सीक्रेट नहीं छुपा के रखती हूँ। येस, सो इसलिए मे बी शायद आपको ये सारी वीडियोज़ मेरे ज़्यादा पसंद है एंड दैट्स वाई मैं आज एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग ऑल योर डाउट्स। येस, सो जो भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग थंबनेल, रिगार्डिंग कॉपीराइट क्लेम और रिगार्डिंग YouTube, एवरीथिंग, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। अदरवाइज पता नहीं आप एंड तक देखेंगे मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि जो आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ मैं। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप टू द वीडियो। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट डाउट जो सबके माइंड में, सबके नहीं मतलब जिन्हें नहीं पता है उनके माइंड में आता है। बिगनर्स को तो ये नहीं पता रहता है, जैसे मुझे भी नहीं पता था, मैं हमेशा YouTube पे सर्च करती थी बट पता नहीं क्यों लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं इससे रिलेटेड, दैट इज़ हम थंबनेल कैसे लगाएं, हम थंबनेल कैसे सेट करें वीडियो पे। बिकॉज मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी दैट इज़ हाउ आई क्रिएट माई ओन थंबनेल, जो कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, सो थैंक यू सो वेरी मच। एंड उस वीडियो में एक डाउट जो मुझे मल्टीपल टाइम्स देखने के लिए मिला वो ये था कि हम थंबनेल कैसे सेट करें। सो आई विल टेल यू द होल प्रोसीजर। लाइक मेरी अभी एक वीडियो आने वाली है आज ही। सो जो थंबनेल है मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, मैंने जैसा आपके साथ शेयर करा था थंबनेल वाली वीडियो में आपको ठीक वैसा ही करना है। सो इन केस अगर आपको नहीं पता है कि आप अपने फ़ोन में कैसे थंबनेल अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हैं देन उसकी लिंक आई बटन पर मिल जाएगी। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन ऐप जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर माई थंबनेल एडिटिंग, दैट इज़ B612, yes. So B612 is a app जहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग मिलती है और वो भी बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर्स और टेक्स्ट के लिए। सो बेसिकली मैं टेक्स्ट और फिल्टर्स प्लस कुछ अजीबो गरीब चीज़ें करने के लिए मैं B612 यूज़ करती हूँ। आई टेल यू व्हाट आई डू। फर्स्टली आपको B612 ओपन करना है, मैं साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर सकूँ। या सो मैंने अपना ऐप खोल लिया है एंड यू कैन सी B612। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पे आपको वो फ़ोटो और वीडियो जो भी आपको एडिट करनी है, मैं यहाँ पे थंबनेल पहले सेलेक्ट कर लूँगी। सो मेरा थंबनेल यहीं कहीं होना चाहिए। वेयर इज़ माई थंबनेल, हेयर इज़ माई थंबनेल। सो ये मैंने थंबनेल ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा दैट इज़ इफेक्ट्स। इफेक्ट्स पे जाके आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली अभी इफेक्ट चूज़ नहीं कर रही हूँ बट मुझे क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम थंबनेल की पिक्चर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैंने ये सारी पिक्चर्स क्लिक करी थी वो मैंने नाइट में शूट करा था, सो दैट्स वाई वो एक रिंग लाइट की मदद से उतना ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाया है। सो व्हाट आई विल डू, ओके सो सबसे पहले आपको थंबनेल सेलेक्ट करना है एंड दिस इज़ द थंबनेल जो मैं अभी एडिट करने वाली हूँ। सो सबसे पहले आपको ब्यूटी पे क्लिक करना है फॉर द लाइटिंग एंड ऑल। सो सबसे पहले मैं ब्यूटी पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको जाना है पेंट पे। सो पेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्किन कलर्स मिल जाएंगे, जो भी स्किन कलर आपको सही लगता है वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस 4th वाला मुझे सही लगता है एंड यू जस्ट हैव टू पेंट योर फेस, दैट्स इट। तो जो ब्राइटनेस है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यू कैन सी मैं यहाँ पे अपने हाथ में, अपने फेस पर एंड जहाँ जहाँ भी मैं चाहती हूँ वहाँ पे मैं ऐसे पेंट कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा लाइटन अप हो जाएगा। या यू कैन सी मतलब वो लाइटन अप हो गया है। नाउ ये वाली फ़ोटो जो आप देख रहे हैं ये, इसमें आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलेगा ऑफकोर्स। सो यहाँ पे आपको अब पेंट करना है अपने फेस पे। कैन यू गाइस सी, मतलब वो आधा ही हो गया यार ये, क्योंकि ये पिक्चर्स मेरी रात की है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी अगर मैं इस टाइप का कुछ शो करूँगी। बिकॉज सी व्हाट हैपन कि थंबनेल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब वो फर्स्ट इंप्रेशन है यार। अगर आपका थंबनेल ही अच्छा नहीं है देन आगे कोई जाएगा ही नहीं। सो इसलिए मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे पेंट करना है वहाँ पर मैं पेंट कर दूँगी एंड ये मैंने अपना सेकंड वाला हाथ एंड ऑल्सो आई थिंक वन मोर पिक्चर या है। ये देख रहे हैं कितनी रात में फ़ोटो ली है, बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। सो इसलिए अब मैंने इसे पेंट कर दिया है। सो नाउ आई थिंक इट्स प्रिटी बेटर। आई थिंक हाथ भी करने पड़ेंगे या। सो या नाउ इट्स डन। एक हाथ और यहाँ पे मैं ओके कर रही हूँ बिकॉज़ ये मेरा हो गया जैसा मुझे चाहिए था, ये ठीक वैसा ही है। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड इसके अलावा अगर आप कोई फोटो एडिट करना चाहते हैं देन इसमें बॉडी का ऑप्शन है, मेकअप का ऑप्शन है। मेकअप में तो बहुत सारे ऑप्शन है लाइक हेयर कलर, कॉन्टूर, ब्लश, लिप कलर, आई कलर, आईब्रोज एंड ये सब कुछ होता है। मैंने पर्सनली एक फोटो पे क्रिएट करा था सब कुछ, वो मेरे इंस्टाग्राम पे अपडेटेड है, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। सो ये था पूरा जो मैं पिक्चर को लाइटन अप करने के लिए यूज़ करती हूँ द B612 ऐप। आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये एरो करा तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क लग रहा है एंड जैसे ही मैं आप एडिट वाली फ़ोटो देखते हैं तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना अच्छा दिख रहा है। तो मैं इसे सेव कर देती हूँ एंड इन केस अगर आपको और कुछ चेंजेस करने हो तो आप वहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं एंड वहाँ पे फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। मुझे B612 के स्पेशली टेक्स्ट और फिल्टर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, तो मेक श्योर टू चेक द B612 ऐप। मैं सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। नाउ द मेन थिंग इज़ आपको इसे सेट कैसे करना है। सो बेसिकली अगर आपका जो YouTube चैनल है वो वेरीफाइड है, दैट इज़ अगर आपने अपना नंबर वगैरह लिंक करके रखा है तो आपको कस्टम थंबनेल अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो बेसिकली ये है मेरी अभी लेटेस्ट वीडियो दैट इज़ हाउ टू स्टाइल योर ओवरसाइज टी-शर्ट्स। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है तो आप देख सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस टाइप का कुछ मिलेगा वीडियो ओपन करने के बाद, मतलब पर्टिकुलरली उस वीडियो को ऑन करने के बाद। मैं सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं ताकि आप लोग को पता चल सके। सो आपको ऊपर एक पेन का ऑप्शन मिलेगा दैट इज़ एडिट, जहाँ से भी आप करते हैं, मतलब आप नहीं मतलब सभी करते हैं। सो आपको एडिट पे जाना है एंड फिर वहाँ पे जो थंबनेल है ना, थंबनेल के ऊपर एक पेन बना है उस पर क्लिक करना है एंड फिर वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज का। तो चेंज पे क्लिक करने के बाद आपको वो पर्टिकुलरली जो थंबनेल है वो सिलेक्ट करना है एंड ये मैंने थंबनेल सेलेक्ट कर दिया एंड फिर मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगी और फिर मैं इसे सेव कर दूंगी। तो जो नया वाला थंबनेल है ना वो आपका अपलोड हो जाएगा दैट इज़ कस्टम थंबनेल। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट डाउट जो सबके माइंड में आता है एंड आई थिंक अब मैंने ये वाला डाउट तो क्लियर कर ही दिया है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाउट पे। ओके, सो द नेक्स्ट डाउट इज़ रिलेटेड टू कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक। बहुत सारे लोगों को कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक में डाउट होता है। आज ही मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था। ओके, सो यू जस्ट हैव टू राइट कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक फॉर यूट्यूब। मुझे ऑलरेडी आ रहा है, मतलब फॉर ब्लॉग्स, फॉर बैकग्राउंड, जो भी चाहते हैं आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। सेकेंड वाले पे मैं क्लिक करूँगी कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक एंड यू कैन सी दीज आर द कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक एंड जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ ऑडियो लाइब्रेरी। तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं फॉर द ऑडियो लाइब्रेरी एंड ये सारे म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री हैं, आपके वीडियोस पे कॉपीराइट नहीं आएगा। सो डोंट वरी। एंड नाउ हाउ यू कैन डाउनलोड इट। सो मैं जस्ट आपको फर्स्ट वाली वीडियो का ही डाउनलोड करके बताती हूँ। आपको बस करना है शेयर कॉपी लिंक, मैंने यहाँ पे लिंक कॉपी कर दिया। नाउ ओपन क्रोम एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है YouTube MP3 डाउनलोड। आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगी आपको वहाँ पे क्लिक करना है एंड अपनी जो वीडियो का URL है वो पेस्ट करके कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। MP3 में वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड नाउ यू कैन जस्ट डाउनलोड इट। आपकी वहाँ पे डाउनलोड हो गया है एंड वेयर इज डाउनलोड। सो या इट्स डाउनलोडेड नाउ एंड जैसे ही आप अपने वीडियो एडिटिंग ऐप में देखेंगे म्यूज़िक सेक्शन में जाके आप डाउनलोड से वो म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई डाउनलोड माई सॉन्ग्स दैट इज़ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक सॉन्ग। आपको सर्च करना है कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक सॉन्ग एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताया दैट इज़ रिलेटेड कि आप दूसरे लोगों की वीडियोज़ के सॉन्ग्स को कैसे सर्च कर सकते हैं। या बिकॉज बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन नहीं करते हैं रिलेटेड टू द साउंड्स दैट दे यूज़। सो व्हाट आई डू पर्सनली, मैं यूज़ करती हूँ शाज़म। तो आपको डाउनलोड करना है शाज़म दैट इज़ KB में ऐप है एंड सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कितने सारे सॉन्ग सर्च करके रखे हैं। तो आप एक फ़ोन में वो वीडियो चला सकते हैं एंड फिर आपको शाज़म ऑन करना है एंड इस पर क्लिक करना है। तो ये उस म्यूज़िक को पहचान जाएगा एंड फिर आपको नीचे वहाँ नाम लिखा आ जाएगा म्यूज़िक का। सो यू कैन सी ये सारे म्यूज़िक मैंने अभी लेटेस्ट सर्च करे थे। तो आपको जो भी म्यूज़िक चाहिए हो, अगर आपको नहीं पता है, आपको नहीं मिल रहा है वो सॉन्ग, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड शाज़म एंड आपको एक फ़ोन से ऑन करके दूसरे में शाज़म से ट्रैक करना है उस म्यूज़िक को और आपको पता चल जाएगा कि वो म्यूज़िक कौन सा है। द नेक्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू एंड स्क्रीन वीडियो एडिटिंग। मुझे अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने एंड स्क्रीन कैसे चेंज किया अपना एंड ऑल्सो अबाउट माई फर्स्ट इंट्रो वीडियो। सो ये सीक्रेट भी मैं आपको अब बता ही देती हूँ। मैं क्या ही करूँगी, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि अगर जैसी एडिटिंग मैं रखी हूँ तो वैसा कोई और नहीं रख सकता। बिल्कुल आप रख सकते हो यार। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको Pinterest डाउनलोड करना है। एंड इनकेस अगर आपने अभी तक Pinterest डाउनलोड नहीं करा, उसे यूज़ नहीं किया है, तो जाके डाउनलोड करो। Pinterest इज़ लाइक अ भगवान मैन, मतलब आपको सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। एंड इनकेस मतलब YouTube पे और Google पे मुझे कभी कभी वो चीज़ें नहीं मिलती, बट वो Pinterest पे मुझे ज़रूर मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं Pinterest पे, आपको ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। या सो दिस इज़ हाउ माई Pinterest इज़ लुकिंग राइट नाउ। एंड मेरा है ये अकाउंट, दैट इज़ दिस वन। सो इनकेस अगर आप फॉलो करना चाहते हैं देन प्लीज़ गो अहेड। सो या नॉट गो एड, आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाना है। एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है बैकग्राउंड और इंट्रो वीडियो और समथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब। फर्स्टली हम सर्च करते हैं इंट्रो, दैट इज़ इंट्रो वीडियोज़ फॉर यूट्यूब। सो यहाँ पे आपको इंट्रो वीडियोस के टेम्पलेट मिल जाएंगे। वेट, आई विल जस्ट शो यू वन। ओके, सो आप जैसे ही एक ओपन करेंगे ना, उसके नीचे आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस फ्लावर वन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग। इसके नीचे आप देखेंगे तो देयर इज़ अनदर वन, दैट इज़ सब्सक्राइब्ड वन। या सो इसके नीचे आप देखेंगे वी हैव अनदर वन, लोडिंग वन। एंड इसके नीचे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सो बेसिकली मैंने यहाँ से डाउनलोड किया एक दैट पर्पल वन। सो हाउ यू कैन डाउनलोड इट, जस्ट कॉपी द लिंक, सर्च ऑन गूगल, दैट इज़ Pinterest वीडियो डाउनलोडर। पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वहाँ पे लिंक कॉपी करना है एंड फिर उसके बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आई विल जस्ट शो यू। ओके, सो मैं यही वाला बताती हूँ। सो जस्ट ये 3 डॉट मिल रहे हैं आपको, तो यहाँ पे कॉपी लिंक एंड नाउ ओपन द क्रोम। क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे Pinterest वीडियो डाउनलोडर एंड द वेरी फर्स्ट लिंक। वहाँ पे आपको पेस्ट करनी है अपनी लिंक। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है हमारी लिंक एंड देन डाउनलोड। और उसके बाद वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो ओपन हो जाएगी वहाँ पे। सो ये हो गई है वो वीडियो ओपन। जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो, क्लिक ऑन 3 डॉट्स एंड डाउनलोड। सो ये मेरी एक इंट्रो डाउनलोड हो गया अच्छा खासा। इनकेस आपको इंट्रो चेंज करना है या कोई भी, मैंने वो पर्पल वाला इंट्रो बहुत देर में निकाला था, ढूंढा था मतलब बड़ी मुश्किल से। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव सर्च फॉर द एंड स्क्रीन। जस्ट सर्च ऑन द Pinterest, दैट इज़ एंड स्क्रीन, यूट्यूब एंड स्क्रीन वीडियो और समथिंग। तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइप का टेम्पलेट आपको मिल जाएगा जैसे मेरे एंड स्क्रीन पर लगा होता है। वहाँ से आप, जैसे मैंने ये बताया ना डाउनलोड करने का, सेम आपको वही करना है और फिर आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टैग्स, यस, रिलेटेड टू यूट्यूब टैग्स। सो मैं पर्सनली यूट्यूब टैग्स कहीं से सर्च नहीं करती हूँ या फिर किसी के देखती नहीं हूँ। मैंने कभी, मुझे इवन पता भी नहीं था ये बात कि यूट्यूब के टैग्स देखे जा सकते हैं। फर्स्टली मुझे आई थिंक प्रिया ने या तितीक्षा ने, किसी ने बताया था कि यूट्यूब के टैग्स भी शो होते हैं, बट आई पर्सनली डोंट सर्च फॉर टैग्स एंड ऑल, बिकॉज मैं जो वीडियो के अंदर है ना उससे रिलेटेड ही टैग्स वहाँ पे बनाती हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल कोई हॉल वीडियो है तो मैं सारे हॉल वीडियोज़, जिस जिस एप्लीकेशन से हम शॉपिंग कर सकते हैं, सारे एप्लीकेशन के नेम्स मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड हॉल से रिलेटेड जो भी टैग्स हम लगा सकते हैं वो सारे मैं यूज़ कर लेती हूँ। इट्स जस्ट दैट आपको टैग्स हमेशा यूज़ करने हैं, वो आप कभी भी मत भूलना कि टैग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो भी टैग्स आप यूज़ करना चाहते हैं, आप Pinterest पे भी एक बार सर्च कर सकते हैं टॉप 50 टैग्स और टॉप 10 टैग्स रिलेटेड टू फैशन, रिलेटेड टू स्टाइलिंग, रिलेटेड टू ब्यूटी, एनीथिंग। Pinterest पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। येस, सो दिस इज ऑल अबाउट द टैग्स। द नेक्स्ट एडवाइस इज रिलेटेड टू कॉपीराइट क्लेम। येस, बिकॉज बहुत सारे लोगों की वीडियोज पे कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं एंड वो फिर डर जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि फेक कॉपीराइट क्लेम भी आते हैं। येस, बहुत आपके साथ भी कभी भी फ्यूचर में हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप जो भी म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं वो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक हो। एंड इन केस अगर वो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक नहीं है तो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट आ जाएगा। बट इन केस अगर आपने कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ किया है, उसके बाद भी अगर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा है तो आपको कंप्लेंट सबमिट करनी पड़ेगी। जो उस म्यूज़िक का आर्टिस्ट है, आपको वो पर्टिकुलर आर्टिस्ट के बारे में कंप्लेंट में बताना पड़ेगा। एंड ऑल्सो म्यूज़िक की लिंक देनी पड़ेगी कि आपने कहाँ से डाउनलोड किया। सो मेक श्योर कि हमेशा आप फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक वाले पेजेस से या वेबसाइट से, यहीं सब से आप डाउनलोड करें, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी 2 वीडियोस पर फेक कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, तो इसलिए मुझे पता चल गया है कि ऐसे होता रहता है। मैं पहली बार में तो मुझे लगा था कि पता नहीं कैसे मैंने फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ कर रहा था बट फिर भी कॉपीराइट आ गया, हाउ। तो मैंने फिर सर्च करा तो बहुत सारे लोग ही वीडियोज़ में आता है फेक कॉपीराइट क्लेम, सो डोंट वरी, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। एंड ऑल्सो इनकेस अगर आप शॉर्ट्स में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज़ नहीं कर रहे हैं सो डोंट वरी, शॉर्ट्स से आप उतना ज़्यादा अभी नहीं अर्न कर सकते हैं। सो शॉर्ट्स में तो आप कोई भी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं बट वीडियोज़ के लिए मैं सजेस्ट करूँगी हमेशा फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करने के लिए। एंड मैंने आपके साथ ऑलरेडी शाज़म डिस्कस कर दिया है कि आपको अगर किसी का म्यूज़िक फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा म्यूज़िक है, आप शाज़म यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली वो सॉन्ग। एंड फिर मैंने डाउनलोड करने का भी आपको तरीका बता दिया है, तो वो आपको फॉलो करना है। So guys, this is all about today. That is top 5 things that you should definitely know. मतलब सारे बिगनर्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। I know बहुत सारे लोगों को ये सारे इश्यूज थे। I hope आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। And also tell me in the comment section इसके अलावा और कौन सी वीडियो जिसमें आपको प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे और कौन से डाउट्स हैं जो आपको अभी तक समझ में नहीं आते हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम से रिलेटेड या कोलाबोरेशन से रिलेटेड, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके ऊपर भी मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। एंड या आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड स्टे नेगेटिव। बाय।